अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है फिर घर में काम स्टार्ट हो गया। क्या बोला तूने? तो ये देखें, सामान जो है वो आया हुआ है। तो आज काम ये था कि सहन में जो है पानी रुक रहा था। ये देखें, इस सहन में पानी रुक रहा था, जो मतलब उस दिन जो बारिश हुई है ना, तो वो पानी जो है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था उसका। वो जो है इस वॉशरूम से जा रहा था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो इस वॉशरूम में आके और बस यहाँ पर रुक रहा था, आगे नहीं था जा रहा। तो सुबह हम लोगों ने मज़दूर भाइयों को बुलाया और ये देखें, यहाँ पर इस वॉशरूम में जो है भी थोड़ा सा मसला था। समझ रहे हो आप? तो ये भी जो है अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक नहीं हुआ। सुबह जो है 10 बजे तकरीबन मजदूर भाई आए थे और अभी तक जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें सामान जो है, मैं सुबह उठा तकरीबन 9 बजे और बस रुका हुआ था, मजदूर भाइयों का वेट कर रहा था। तो वो जो है 10 तक आ गए, फिर उनके साथ में चला गया सामान लेने। तो अभी जो है तकरीबन 4 बजे हैं और मैं जो हूँ सुबह से इनके साथ खड़ा हुआ हूँ और बस देखता हूँ जो इनको सामान चाहिए होता है फ़ौरन से ले आता हूँ, मंगवा देता हूँ। तो बस यही सीन चल रहा है आज का। तो क्या नाचो मैं? और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये गेट भी बिल्कुल सही से लग गया है। ये देखें, अब जो है इधर से हम लोग आ जा सकते हैं। गेट ऊपर भी हो गए, अब कोई मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, तो बस अब ये जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये क्या है? सिर्फ ये मजदूर भाइयों ने उतारनी है। तो ये बस इधर मजदूर भाइयों ने जो है मसाला बनाया हुआ है और बस अंदर जो है भी कमोड लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो मसाले की ज़रूरत, ताकि वो पक्का लग जाए। अच्छा। ये देखें, सीमेंट जो है अभी मंगवाया है। आगे एक बोरी ये, एक बोरी अंदर पड़ी है, एक बोरी ये पड़ी हुई है और मेरी जो बाइक है ये खड़ी है यहाँ पर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मैंने खड़ी की है। और ये देखें जी, ये मैंने ना अपनी मुर्गियों के लिए बहुत सारी सूखी रोटी जो है वो जमा की है, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी मुर्गियों और कबूतरों को जो है ये रोटी जो है सूखी, ये पानी में डाल देता हूँ, भिगो देता हूँ। जब वो नरम हो जाती है ना, फिर मैं अपनी मुर्गियों को खिला देता हूँ। बाकी बस अब मजदूर भाई लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मौसम जो है वो आज ऐसा है, ये देखें धूप है, सुबह से ही मौसम ऐसे। तकरीबन 12-1 बजे जो है बादल हो गया था, तो मैं तो समझ रहा था कि शायद बारिश हो जाए। हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन बारिश नहीं हुई, मौसम जो है वो नॉर्मल है। बाकी अब जब इंशाल्लाह ये वाला काम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मैं छत पर जो मास्टर सेटअप बनवा रहा हूँ उसका काम स्टार्ट होगा। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा जो है दूसरा चैनल भी है, AK बर्ड्स पेशावर के नाम से, आप लोग विजिट करें। उस चैनल पर जो है मैं परिंदों की वीडियोस डालता होता हूँ डेली, तो आप लोगों ने उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। नहीं। अच्छा, और इस छत पर जो पानी आता है, आप लोगों को नाला नज़र आ रहा होगा बारिश वाला, तो वो यहाँ से उतर रहा था और अंदर नहीं था जा रहा ना, यहाँ पर ही जमा हो गया था। तो अभी जो है ये मसला भी हल करवाना है। ये देखें जी, एकदम से जो है ठंडी ठंडी सी हवा स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो क्यारी है ना, यहाँ पर साइड पर जो है ना हम लोग ईंटें लगाएंगे और फिर इस क्यारी के अंदर जो है ना प्यारे प्यारे से पौधे लगाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस तरफ जो ये वाली क्यारी है, इसके भी साइडों पर ईंटें लगाएंगे और इधर भी जो है हम लोग प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे, क्योंकि पौधे जो है घर में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि अभी हमारे इधर ये वाला पौधा लगा है और माशाल्लाह से फल भी दे रहा है। देखें, ये मीठे हैं, मीठे। ये देखें जी, और ये इसके साथ जो है ये तूत वाला दरख्त है और ये भी नीम का दरख्त है और ये भी, ये देखें। अच्छा फ्रेंड्स, ये दोनों जो दरख्त हैं ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाए थे, छोटे छोटे। ये तकरीबन इतने इतने थे जब मैं बाहर से लाया था और इनको जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और अब माशाल्लाह से आप लोग चेक करें जी, कितने बड़े हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, ये एक जो है ये थोड़ा सा छोटा है, बल्कि ये छोटा इसी वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और हमने जो है फिर इसको कटवा दिए। ये देखें, और इस वाले को देखें कितना बड़ा हो गया। अच्छा जी, कटवाया क्यों था? इसी वजह से क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ये बिजली की तारें नज़र आ रही होंगी। नहीं। ये जब बहुत बड़ा हो गया था तो ये जो है बिजली की तारों तक पहुँच गया था और लग रहा था उनके साथ, इस वजह से हम लोगों ने इसको कटवाया है। और बस अभी जो है असर की अजान हो रही है, तो मैं जो हूँ ऐसे करता हूँ कि वजू कर लेता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। बाकी बस अब ये थोड़े से पाइप रह गए हैं और ये एल्बो है,
ये थोड़े से बस रह गए हैं, तो ये जो है कल इंशाल्लाह जब मजदूर भाई आएंगे तो वो ये भी लगा देंगे, तो कल इंशाल्लाह जो है ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो बस मजदूर भाइयों की छुट्टी हो गई है, वो घर चले गए हैं, और आज बस सिर्फ इन्होंने यही काम किया है कि अंदर जो वॉशरूम का मसला था वो हल किए, और बस कल इंशाल्लाह आएंगे तो कमोड लगाएंगे और छोटे मोटे दो तीन काम है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ठोक दीजिए, मिलेंगे कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।